कई बार अमेरिका और यूरोपियन देश मिलकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तेल के प्रोडक्शन में कटौती को लेकर अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि रूस उन देशों को तेल नहीं बेचेगा जो इस प्राइस कैप से सहमति जताएंगे या रूसी तेल की खरीद पर EU के सैंक्शंस में शामिल है। उन्होंने कहा कि अगर संभव हुआ तो हम क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में कटौती भी करेंगे। अगर आप यह बात नहीं जानते कि प्राइस कैप क्या है तो आपको बता दें कि यूक्रेन पर हमले के बाद से ही रूस के ऊपर कई तरह के सैंक्शंस लगाए गए हैं। ये सैंक्शंस मूल रूप से अमेरिका सहित कई बड़े यूरोपियन देशों ने लगाए हैं। इन प्रतिबंधों में प्राइस कैप भी शामिल है। प्राइस कैप के तहत रूस के क्रूड ऑयल का प्राइस G7 के देश फिक्स करेंगे। अभी के समय में रूस अपनी कीमतों पर तेल बेच रहा है, लेकिन एक बार रूस के तेल पर प्राइस कैप लगने से स्थिति पहले जैसे नहीं रह जाएगी, यानी कि रूस का तेल से मुनाफा कम हो जाएगा। अमेरिका सहित G7 देशों ने रूस के तेल पर प्राइस कैप लगाने का फैसला इसलिए लिया है ताकि रूस की तेल से होने वाली कमाई कम हो जाए और रूस इकोनॉमिकली कमजोर हो। लेकिन इस पर पलटवार करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेहद सख्त लहजे में कहा है कि अगर उनके तेल पर प्राइस कैप थोपी गई तो रूस किसी भी देश को तेल नहीं बेचेगा। पुतिन ने साथ ही क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में कटौती की भी चेतावनी दी है। व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को मीडिया रिपोर्टर से बातचीत में कहा है कि रूस उन देशों को तेल नहीं बेचेगा जो इस प्राइस कैप से सहमति जताएंगे या रूसी तेल की खरीद पर EU के सैंक्शंस में शामिल है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम तेल का प्रोडक्शन ही रोक देंगे। पुतिन ने तेल पर प्राइस कैप को एक बेवकूफी भरा फैसला बताते हुए कहा है कि यह ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट्स के लिए नुकसानदायक है जिसका खामियाजा सभी देशों को भुगतना पड़ेगा। बता दें कि यूक्रेन युद्ध के बाद से EU के रूस पर सैंक्शंस और प्राइस कैप को लेकर पुतिन की संभावित रूप से पहला रिएक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। G7 रूस के तेल पर जो प्राइस कैप लगाने की बात कर रहे हैं, यह प्राइस कैप प्रति बैरल $65 से $70 तक हो सकता है। इसका साफ तौर पर मतलब है कि रूस इससे सस्ते या महंगे दाम पर तेल नहीं बेच पाएगा। प्राइस कैप लागू हो जाने के बाद अगर कोई कंपनी इसके अकॉर्डिंग तेल नहीं खरीदती है तो उसे तेल के लिए कंपनियों को शिपिंग, इंश्योरेंस और अन्य फाइनेंशियल एड नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, इस बारे में आप सभी रूस को लेकर क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।